अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं आपको मसालादार बरे बैंगन बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत इजी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। जो लोग बैंगन की सब्ज़ी लाइक नहीं करते, वो अगर वो इस तरह से बैंगन बनाएंगे तो वो आज के बाद उनकी फेवरेट डिश बन जाएगी ये। तो आपने जिस तरह मैं बनाऊंगी, आपने बिल्कुल उसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है और उसी स्टाइल से बैंगन को बनाना है, तो बहुत ही मज़े के बैंगन हमारे बनेंगे। सबसे पहले मैंने बैंगन लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लिया है और उनकी ऊपर से डंडी होती है उसको थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है और उसके अंदर इस तरह हमने पीस कट्स लगाने हैं, अच्छी तरह कट लगाने हैं और अंदर से चेक करना है कि कोई बैंगन ख़राब तो नहीं है, कोई अंदर चूंटी वगैरह या कोई चीज़ तो नहीं है। अगर बैंगन सही होगा तो हमने इसके अंदर मसाला भरना है। ये देखिए, ऐसे कट्स लगाते जाना है और साथ साथ चेक करते जाना है कि अंदर से बैंगन बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक होगा तो हमने कट लगाते जाना है और इसको साइड पर रख देना है। इसके बाद हमने आलू भी कट कर लिए हैं और बैंगन को भी कट्स लगा लिए। अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। मसाले के लिए मैंने यहाँ पे दो प्याज लिए हैं, उनको छील लिया है और एक मैंने चॉपर लिया है, एक बड़े साइज़ का। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, उसको मैंने कट करके चॉपर के अंदर शामिल कर देना है और इसका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं हमें चाहिए, हमें थोड़ा सा यानी कि चॉप टाइप चाहिए। तो अगर हम ज़्यादा इसको पीसेंगे तो प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे और टमाटर भी छोड़ देंगे, तो इस तरह हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा ही चॉप करना है और हमने इसके अंदर सारे मसाला जार शामिल कर लेने हैं, जैसे हल्दी, नमक, रेड मिर्च और ग्रीन चिली का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करके एक दफ़ा इसको फिर से चॉप कर लेना है ताकि हमारे जो इसके अंदर मसाले डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के अंदर, तो फिर हमने इसके अंदर बैंगन के अंदर इसको फिल करना है। यहाँ पे देखें जी, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसको बैंगन के अंदर फिल करना है। हमने जो कट्स लगाए थे उसके अंदर हमने इस मसाले को स्पून के साथ फिल कर देना है। अगर आप हैंड से करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली फिल हो जाएंगे और अंदर तक मसाला जो है वो चला जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्पून के साथ कर रही हूँ। अगर हैंड से करेंगे तो इसके अंदर मिर्च का मसाला भी है तो वो हैंड पे जलन कर सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप स्पून के साथ ही इसके अंदर फिल करते जाएं बारी बारी। तीनों बैंगन्स के अंदर हमने यहाँ पे बैंगन के अंदर ये मसाला जो हमने फिल कर देना है, अच्छे से फिल करना है ताकि तमाम कट्स के अंदर ये मसाला है जो वो रच बस जाए और इससे बैंगन का टेस्ट और भी अच्छा बनेगा।
यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और अब हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे थोड़ा सा। जब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा, हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देना है और ज़ीरे से इसका फ्लेवर जो है और भी इन्हेंस होगा और बैंगन का टेस्ट और भी अच्छा बनेगा। जब ये ज़ीरा थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, इसकी खुशबू आने लग जाएगी, तो हमने इसके अंदर जो बैंगन भरे थे वो हमने इसके अंदर रख देने हैं। एक एक करके बैंगन रख देना है और हमने पहले इसको फ्राई कर लेना है ज़ीरे को थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से इसका कलर आ जाए। और अब हम इसके अंदर ये देखें जी बैंगन रख दिया है एक, फिर हमने ऐसे ही बारी बारी बैंगन रख देने और इनको फ्राई कर लेना है। जब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर जो हमारा पेस्ट एक्स्ट्रा बचा था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको ऊपर से कवर कर देना है। यहाँ पे देखिए जी ये बैंगन और मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर जो हमने आलू कट किए थे वो हमने शामिल कर देने हैं था, और हमने थोड़ी देर इसकी भुनाई करनी है आलू के साथ बैंगन की, ताकि आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा दही शामिल कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। ये बैंगन के अंदर हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जस्ट शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, अपना पानी ही छोड़ देंगे और उसी पानी में ये देखिए अच्छे से जो है इसका मसाला रेडी हो जाएगा। देखिए जी ये हमारी रेसिपी की फ़ाइनल रूप, ये देखिए ऑयल एंड सेपरेट हो चुका है और बैंगन भी अच्छे से पेस्ट बन चुका है। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। थैंक यू।